राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। गाड़ी इको है, BA6 23 मॉडल। इसमें CNG किट लगाया है, तो ये सीट का ऐसा कुछ सीन है, आदमी आराम से बैठ सकता है अंदर। BA6 मॉडल 8 इंजेक्टर गाड़ी है। ये इसका स्विच है गैस पेट्रोल का, और ये इसका इंजन यहाँ पे है। ये टेम्परेचर टी लगी हुई है, गैस की है, और यहाँ भी ECM लगा हुआ है CNG का। और ये वायरिंग पूरी कवर है, ताकि वायरिंग कहीं कटेगी नहीं। और ये यहाँ पे मैप और रेड्यूसर लगा हुआ है, जो गैस को कंट्रोल करता है, प्रेशर को, उसके बाद वो रेल में भेजता है CNG को। तो ये यहाँ पे रेड्यूसर लगा हुआ है, ये एक वैक्यूम पाइप है, तो यहाँ पे हॉल करके लगाते हैं इसको। ये यहाँ पे रेल है इसकी, तो 4 पिस्टन की गाड़ी है, 4 पाइप है जा रही है पर पिस्टन पे एक। ये इंजेक्टर है जो कपलर टू कपलर वायरिंग है, और ये पूरी वायरिंग कवर है। ऐसे नहीं है कि जहाँ दिख रही है वहीं पे कवर है, पूरी वायरिंग कवर है, टाई वगैरह लगी हुई है। और एक ECM यहाँ पे लगा हुआ, जो 8 इंजेक्ट का ECM इसको बोलते हैं, जो एक्स्ट्रा लगता है। और ये पूरी वायरिंग कवर है। और आगे की फिटिंग आपको बताता हूँ। ये CNG भरने का वाल है यहाँ पे, और इन आउट की 2 पाइप है। ये प्लेट है जो 3 साल से रिन्यू होगी। ये टैंक लगा हुआ है 12 kg का, और ये 5 प्लेट पत्ती लगी हुई है प्रॉपर, और कोई एक्स्ट्रा हॉल नहीं है इसके अंदर। और ये यहाँ से आदमी आराम से बैठ सकता है अंदर, तो ऐसा कुछ सीन है ये। और ये सीट 2 इंच आगे खिसकी है सिलेंडर लगने के बाद, तो ये खाली एक सीट में ही हॉल है, बाकी सेसी इसके अंदर कोई हॉल नहीं है।